हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि सूजी का एकदम परफेक्ट और दानेदार हलवा कैसे बनता है, वो भी एकदम सटीक मेजरमेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा भी एकदम परफेक्ट और दानेदार बनेगा। और अगर आपको मेरी ये सूजी के हलवे की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इन्फॉर्मेशन काम की लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर आप फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। हलवे के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। ये मैंने आधा कप चीनी ली है। आप घर में कोई भी एक कप सेट कर लें जिससे सारा मेजरमेंट करें। और इसमें हम डालेंगे 2 कप भर के पानी, यानी कि आधा कप चीनी है तो 4 गुना पानी। अगर आप आधा कप चीनी लें तो उसमें 2 कप पानी डालें। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो 4 से 5 छोटी इलायची लें और उसको कूटकर पाउडर बना लें। इसके डालने से हलवे में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब यहाँ हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और चीनी को लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकती है। आप देख सकते हैं अब इसमें चीनी अच्छे से घुल गई है। तो अब हम थोड़ा सा बॉयल शुरू होने तक वेट करेंगे। ये देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब इस चाशनी को हम पकाएंगे नहीं, गैस को बंद कर देंगे। हमें इस चाशनी को एक उबाल आने तक ही पकाना था। तो अब हमारा ये शुगर सिरप बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम एक साइड रखेंगे। और अब ये मैंने लिया है आधा कप गुनगुना दूध, जिसके अंदर कुछ धागे केसर के डाल दिए हैं। इसको कुछ देर के लिए भीगा रहने देंगे ताकि इसमें केसर का अच्छा सा कलर आ जाए। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसके अंदर डाल देंगे आधा कप देसी घी। हलवा आप जब भी बनाएं देसी घी में ही बनाएं, घी में ही हलवा अच्छा बनता है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, सबसे पहले हम इसके अंदर ड्राई नट्स को फ्राई करेंगे। ये मैंने एक बड़ा चम्मच काजू लिया है और साथ ही में लिया है 1 बड़ा चम्मच बादाम और 1 चम्मच पिस्ता। इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इन सबको हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए हमने इसको बाद में ऐड किया है। आप यहाँ देख सकते हैं किशमिश भी अब फूलने लगी है और सारे ड्राई नट्स का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इन सबको हम निकाल लेंगे। अब इनको फ्राई करने के बाद हम ये एक साइड रख देंगे। अब इसी घी के अंदर हम डाल देंगे आधा कप सूजी। ये घी भी हमने आधा कप लिया था और सूजी भी ली है आधा कप, यानी कि जितना घी उतनी ही सूजी। सभी चीज़ों का मेजरमेंट आपको सेम कप से ही करना है। अब फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और सूजी को लगातार चलाते हुए भुनेंगे। सूजी को अच्छे से भूनने में आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अभी हम इसको 4 से 5 मिनट और भुनेंगे। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक ये पूरा घी ना छोड़ दे और इसका कलर एकदम बादामी सा ना हो जाए। अब इसको भूनते हुए हमें लगभग 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं सूजी ने पूरा घी छोड़ दिया है और इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है। अब हम इसको और ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर सिरप, जिसको हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। यहाँ आप एक बात का ध्यान दें, जब भी इसमें शुगर सिरप ऐड करने लगे, फेस को गैस से थोड़ा सा दूर रखें, बहुत ही सावधानी से डालें। शुगर सिरप को आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और दूसरे हाथ से लगातार चलाते जाएं। अब चाशनी डालने के बाद हम इसमें सारे ड्राई नट्स डाल देंगे जिनको हमने पहले फ्राई किया था। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई को सिर्फ 1 मिनट के लिए ढकेंगे ताकि छींटे बाहर ना आए। अब 1 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा देंगे और इसको फिर से चलाएंगे। आप देख सकते हैं सूजी ने चाशनी को काफ़ी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस हलवे के अंदर अच्छा सा फ्लेवर और कलर आ जाए, उसके लिए हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध, जिसको मैंने इस रेसिपी की शुरुआत में ही भिगो कर रखा था। अब फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसको लगातार चलाएंगे। आप देख सकते हैं केसर वाला दूध डालते ही इस हलवे का कलर कितना चेंज हो गया है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये।
अगर आपके पास केसर ना हो तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन केसर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इस हलवे को कब तक पकाना है? तो इसका इंडिकेशन ये है कि हलवा कढ़ाई के तले को बिल्कुल छोड़ देगा और पूरा घी रिलीज होने लगेगा, तो इसका मतलब हलवा रेडी है। आप देख सकते हैं इसने कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है, ये तले में जरा सा भी नहीं चिपक रहा। इसका मतलब अब हमारा ये सूजी का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इस हलवे को बनाने के लिए आपको किसी भी स्पेशल ओकेजन की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, फटाफट से ये सूजी का हलवा बनाइए और इंजॉय करिए। अब हमारा तो ये सूजी का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चलिए अब इस गर्मा गर्म हलवे को सर्व कर लेते हैं। आप भी इस हलवे को अपने घर पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में लिखकर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, यहीं पर हमारे चैनल मेरी मॉम की किचन में।